कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि फिट एंड फाइन और हेल्दी होंगे। और ये देखिए मेरे पुराने, जब सितंबर में कितना बढ़िया मेरा ये गुलदाउदी खिला था, अब हो गया बिल्कुल सूख गया। तो ये मेरे अब लेटेस्ट है कुछ क्लिपिंग्स। और गाइस हमारा संडे है तो अब इस दिन बनाएंगे हम छोले और कुलचे। मेरे हस्बैंड ले आए तो सोचा क्या बनाए क्या बनाए, तो छोले बनाते हैं। तो चलिए किचन में और संडे बनाते हैं स्पेशल छोले। छोले और कुलचे खाए जाएंगे। कुलचे तो लेके आए थे बने बनाए, तो छोले बना रहे हैं। बस सिंपल तरीके से बनाऊंगी। थोड़े से मैंने जीरा भी डाल दिया और जीरा चटक जाएगा तो अब हम इसमें प्याज भी डाल देंगे अपनी। ये रही प्याज। कलर चेंज हुआ घूमते घूमते, फिर हम इसमें टमाटर छोड़ेंगे और थोड़ा सा पहले छोड़ेंगे अदरक, अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा, फिर टमाटर और थोड़ा मसाले और फिर ये चने उबले हुए हैं जो ये डाल देंगे। देखिए ये थोड़ा थोड़ा कलर चेंज कर रहा है, आधा बन गया है। साथ में हम ये भी डाल देते हैं थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट। बाकी मैं जिंजर डालूंगी ये वाला टुकड़े करके, अभी छोटे छोटे ना पीस अच्छे लगेंगे। अभी मैं इसको करके दिखाती हूँ आपको। ये भी डालूंगी, जब तक ये हो रहा है तब तक मैं मसाले निकालती हूँ और आपको दिखा देती हूँ कुछ और, यानी कि ये इमली का पल्प भी मैंने तैयार किया है। वो एंड में पड़ेगा जब मसाले पड़ेंगे तो मैं दिखाती हूँ आपको। हमारा लहसुन अदरक होता है, मैं दिखाती हूँ मसाले कौन कौन से निकाले मैंने। सबसे पहले तो ये निकाला चना मसाला। ये चना मसाला है, ये इसके साथ धनिया है, हल्दी है, थोड़ी मिर्ची है, लाल देगी मिर्च है कलर के लिए, जरा सा और नमक डाल दिया कि आगे पीछे करने के लिए, क्योंकि सिर्फ उबालते समय ही डाला है। इसमें बाई चांस हो किसी के साथ तो फिर एडजस्ट करने में मुश्किल होगी। बस अब हम ये डालेंगे मसाले। मेरा स्टाइल है, मैं ऐसे स्टाइल में बनाती हूँ छोले। आप कैसे बनाते हैं आप प्लीज मेरे साथ वो करिएगा, शेयर करिएगा। मैंने बड़ी इलायची आपको बताई थी, बड़ी इलायची, लौंग, तेज पत्ता और दालचीनी डाली थी और फिर प्याज डाला था, ठीक है, और स्लिट की भी थोड़ी सी वो डाल दी। थोड़ी सी ऊपर से डालेंगे जब हम गार्निश करेंगे छोले। बैक तो ये देखिए हमारा हो गया। तो स्टेज पे हम मसाले जले ना, टमाटो ये देखो तेल छोड़ दिया मसाले ने और हम अभी स्टेज पे ये डाल देंगे टमाटो। छोले भी साथ में डाल दूंगी इसमें, उसके बाद डालूंगी छोले भी इस मसाले में भूनने के बाद डालूंगी टेस्ट करने के बाद। बैठ तो देखते हैं क्या हाल है छोले का, छोले मसाले का हाल, छोले का नहीं छोले का, छोले मसाला जो बना रही हूँ। तो ये हमारा ऑलमोस्ट डन है। साइड से दिखा दूंगी कैसे तेल छोड़ रहा हूँ। आलू भी डालते हैं, आलू को मैं ऊपर से फ्राई कर लूँगी, जो भी छौकूंगी ना ऊपर से इसका छौक लगाऊंगी, तो उसको भी आलू को भी इसमें डाल दूंगी। सारे तो
पूरा मैंने खाली कर दिया और अब हम चलाएंगे। खूब भूनेंगे इसको, चलाते रहेंगे, भूनते रहेंगे ढक ढक के, और ये खूब अंदर तक इसमें मसाले चले जाएंगे। इसमें हम आलू भी छोड़ देंगे। ये हम भून के रख देते हैं और देखते रहेंगे बीच। अब हम डालेंगे इसमें उबले हुए आलू मसाले के साथ, इनको भी डाल देंगे, इनको भी साथ के साथ चला देंगे ताकि इनमें भी मसाला चला जाए। मैंने जानबूझ के इनको फ्राई नहीं किया, फिर ज़्यादा ही लो हो जाएंगे, हैवी हैवी वाले, हमें हैवी वाले तो खाने नहीं, इसलिए तो हम कुलचे खतना रहे हैं। तो भटूरे ना बनाते हैं, इनके साथ तो भटूरे अच्छे लगते हैं, मटरी थी नहीं, मटरी के साथ बनाते हैं, मैं तो स्पेशल छोले ही मिले भूलती जाऊँगी, नीचे ना लगे थोड़ा सा पानी डाल दूँगी जो रिंस किया हुआ है इसका, छोले का और टमाटो का। बस ऐसे करके हम डालते हैं और धीरे धीरे देखते रहेंगे, ये बनेगा बहुत टेस्टी। और ये हम देख सकते हैं नीचे तो नहीं लग रहे, हल्के हल्के सूख गए, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और अभी को अच्छे से और भून देते हैं मसाले के साथ। सर्विंग स्पून से 2 स्पून डाल दिए मैंने, और भून जाए, ये ऑलमोस्ट डन है। और मैं तब तक इसमें इमली के पल्प को खोल लेती हूँ, इमली का पल्प उसको भी डाल दूंगी, वो भी साथ में पक जाएगा। तो पल्प मैं डालूंगी और ये थोड़ा सा ना थिक नहीं है, और थोड़ी इमली करी थी, पानी थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा खट्टे भी नहीं बनाने, क्योंकि चटनी भी है इसके साथ। चटनी ये चार्ज इसको जो खाना है, प्याज है, बड़ा कुछ है खाने के लिए। देखो मैं डालती हूँ, छोले भी आपको दिखा देती हूँ। ये नीचे से ना पूरे ड्राई हो गए पूरे, ऐसे ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी है, ऐसे ही छोले खाएंगे हल्के से तरी वाले। तो ये मैं डाल देती हूँ पहले इमली का पल अच्छे से, और इसको उसके साथ चला दूँगी। छोले हमारे ऑलमोस्ट डन है, इमली के साथ भी थोड़े पक जाए, फिर मैं इसको हरी धनिया से गार्निश करूंगी। तो ये अब हमारे डन है छोले, ऑलमोस्ट इसको 2-3 मिनट बाद बंद कर दूंगी, क्योंकि हमारे ऑलमोस्ट डन है और यही कंसिस्टेंसी इसके मेरे को चाहिए, क्योंकि फिर वो सूखे सूखे हो जाते हैं ना, कुलचे है ना, कुलचे भी सूखे ही होते हैं, ड्राई ड्राई जैसे होते हैं। तो ये हम धनिया की गार्निश कर देंगे, थोड़ा धनिया और थोड़ा बाद में डालेंगे, थोड़ा अभी डाल देते हैं। तो ये हमारा डन है छोले, बिल्कुल डन है, इसको मिला देते हैं और बिल्कुल कम मसाले वाला बनाया है, गरम मसाला डालते हैं लेकिन मैं डालूंगी नहीं, बिल्कुल लाइट लाइट बनाने हैं। तो ये बन गए, तो मैं बंद करती हूँ इसको। तो ये बंद कर देती हूँ, बन गए ऑलमोस्ट। मेरा हमारा कुलचा, इसको मैं खोल के तवे पे सेक लेती हूँ, और चने तो हमारे रेडी हैं ही। ये चाय रही, ये चाय चढ़ रही है एक तरफ, और उबलने वाली है, इसमें मैं चाय पत्ती डालूंगी, एक तरफ चाय बनी। खोल लिया, इसके बीच में ये बटर पेपर भी था लगा हुआ, अच्छे से करा हुआ है। तो गाइस मैं इसको सेक लेती हूँ, चाय भी मेरी हो गई, मल्टीटास्किंग चल रहा है, एक तरफ मशीन लगी थी, कपड़े भी हो गए हैं, वो भी डाल दूंगी नाश्ता करने के बाद। तो ये वैसे तो उसमें बटर डाल दो, बटर से भी, पर ये देसी घी में मैं कर रही हूँ, बटर थोड़ा ज़्यादा हैवी हो जाएगा हस्बैंड के लिए। तो एक तरफ मैं ऑन कर देती हूँ ताकि ये गर्म हो जाए छोले, और ये गरम गरम इनको मैं प्लेट प्रेशर कर देती हूँ।
साफ कर देती हूँ। साफ कर ली, मेरा एक हो ही गया ऑलमोस्ट, काफी करारा कर दिया मैंने। और ये छोले भी मेरे डन हो गए। पता नहीं कड़छियाँ कहाँ कहाँ चली जाती हैं, ये समझ नहीं आता। तो ये मैं कुलचा मेरा यहाँ पे गया, ये मैं छोले डाल दूँ उनके, वही बताएंगे कैसे बने। अभी तो मैंने आज टेस्ट भी नहीं करा, आज पहली बार ऐसा हुआ कि टेस्ट तक नहीं करा। छोले को भी, वो आलू को भी वैसे करना था फ्राई करके जैसे डालते हैं, पर वो डाल जानबूझ के नहीं डाला कि ज़्यादा ही हैवी हो जाएंगे। फिर एक एक भटूरा करके मैं देती जाऊँगी उनको, साथ में ये दे दूँगी। थोड़ा सा ऊपर से ये धनिया बुरक देती हूँ, थोड़ा सुंदर लगेगा प्रेजेंटेबल। और साथ में ये होगा, और चार तो मैं पहले ही रखा ही, तो ये मैं रख लेती हूँ, उसको ऑफ कर देती हूँ। चाय भी मेरी हो गई, मैं इसको बंद कर देती हूँ, ढक देती हूँ। मैं जा रही हूँ देने, आप भी चलिए मेरे साथ। तो अचार लेंगे नहीं, ये काफी सारा सामान है। और ये चटनी है, ये मैंने एक दिन पहले बना दी थी, क्योंकि धनिया लाए थे ना, थोड़ा सा दही वाली चटनी बनाई है। तो ये सब कुछ मैंने दे दिया, और आज का सुपर डुपर हमारा ब्रेकफास्ट है ये। गाइस इस पैकेट में चार ही आते हैं, दो मैं इनको दे चुकी हूँ, ये दो मेरे हिस्से के हैं, और जिसको खाने हैं वो उसके लिए ब्राउन ब्रेड सेक लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एज गुड एज आटा है ना, तो इसको सेक लेंगे। मैं चाय भी देती हूँ साथ में, ये देती जाए मेरी हमारी गर्मा गर्म चाय मैं देने जा रही हूँ। वेलकम बैक। और गाइस आज है संडे, ये रही मैं, ये रहे मेरे कुलचे छोले चाय और लज्जतदार चटनी और प्याज के छल्ले, अदरक स्लिट किया हुआ, मिर्ची, नींबू, अचार, और हमारी ये पारी हो रही है। वेलकम बैक। और नहा धो के फ्रेश होके बस मैंने ये बनाए छोले, तो मैं पहले ही बना चुकी थी, चाय और ये गरम करी मैंने, तो मेरी भी बारी आ गई कुलचे। ये देखो यहाँ से तो कुछ ज़्यादा ही करारा हो गया। तो बस खाते हैं अपना फर्स्ट क्लास बढ़िया सा सुपर डुपर ब्रेकफास्ट। तो आप भी करिए मेरे साथ, और बनाएं खाएं खिलाएं, और कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।